राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामा कृष्ण। आज मैं बता रहा हूं आपको, जो लोग समलैंगिक पीड़ित है उनमें कुछ समलैंगिक ए और बी दो व्यक्ति होते हैं। ये व्यक्ति वो होता है जो अपने अंदर एक हवस होती है, एक काम का अंधा होता है, और वो हवस वाला जो काम का अंधा है वो बी को कहीं ना कहीं ढूंढता है। जब उसे कोई महिला नहीं मिलती है, महिला से काम पिपाशा शांत नहीं होती है, तब वो व्यक्ति बी व्यक्ति को ढूंढता है। जिसमें मेरे पास में अनुसंधान में मैंने यही देखा है कि छोटे लड़कों को परेशान किया जाता है, छोटे लड़कों के साथ में बाल यौन शोषण किया जाता है, उनके साथ में गुदा मैथुन किया जाता है। ये मेरे पास में काफी लोगों के अनुभव है, बताए उन लोगों ने मुझे, और मेरे पास में उन लोगों के अनुभव हैं। और आप देखेंगे कि किस प्रकार से काम में एक अंधा आदमी हो जाता है, और ये अंधा आदमी अगर किसी को किसी लड़के के साथ में अगर गुदा मैथुन कर ले तो एक बार हो सकता है पीड़ित होने के बाद में वो एक दास्ता में एक गुलामी में आ जाता है और विरोध करने की क्षमता नहीं होती है। तो मैं आज आपको एक विश्लेषण के तौर पे बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति कैसे अपने आपको एक स्त्री की मांग करता है और स्त्री नहीं मिलने पर एक पुरुष के साथ में अपनी हवस निकालने का प्रयास करता है और उसके बाद में उसे जेल भी होती है। तो 100 बात की एक बात, मेरा कहना अर्थ यही है कि एक जो व्यक्ति है उससे बचने का प्रयास कोशिश करें और अपने बच्चों को बचाने का प्रयास करें। अगर आप अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे तो हो सकता है ये प्रकार के जो लड़के हैं वो 16 साल से हो सकता है कि अधिक आयु तक का भी हो सकता है, 40-50 साल का भी हो सकता है, और जो बी है वो लड़का आपका 6 साल से 16 साल के बीच में हो सकता है। पर कभी कभी दुर्घटनापूर्ण स्थितियां ये बन जाती है कि एक ए वर्ग जो ए है, एक वर्ग का जो आदमी है, वह व्यक्ति अपनी काम पिपाशा शांत करने के लिए जब वो महिला नहीं मिलती है तो पुरुष के लिए भी किस प्रकार से कोशिश करता है कि उसके साथ में गुदा मैथुन करना, अर्थात काम में अंधा हो जाता है, उसे कुछ भी नहीं दिखता है। ये इसके लिए मैं आपको एक जो पुलिसकर्मी है उसने किस प्रकार से कोशिश की और बी ने कैसे विरोध किया वो सब आप जानने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर गुणराज सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको वो विश्लेषण बता रहा हूं कि अपने लड़कों को ये सिखाया जाए कि कोई उसके साथ में गुदा मैथुन करता है तो उसका विरोध कैसे करना है। ये जो आपको न्यूज है आप उसको देखेंगे, ये कल की घटना है, सुनिए अब ये। एबीपी न्यूज 22 मार्च 2021 गोरखपुर में खाकी को शमशान करने वाली घटना, नशे में धुत दारोगा ने की वेटर के साथ दुष्कर्म की कोशिश। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक दारोगा की करतूत ने खाकी के दामन पर दाग लगा दिया। वह जिस होटल में रुका था वहां पर काम करने वाले वेटर के साथ गलत काम करने की कोशिश की। गोरखपुर में खाकी को शमशान करने वाली घटना सामने आई है। यहां वीआईपी ड्यूटी पर पहुंचे एक दारोगा को पुलिस ने वेटर के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश में मामले में गिरफ्तार किया है। यही नहीं, होटल वालों को जब इसकी पूरी कहानी बताई तो पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए। दरअसल महाराजगंज के क्राइम ब्रांच में विवेचक के पद पर तैनात दारोगा विनोद कुमार यादव वीआईपी ड्यूटी के लिए गोरखपुर पहुंचे थे। इसी दौरान बबीना रोड के होटल में उन्होंने अपना कमरा लिया, जिसके बाद देरी रात करीब 11 बजे नशे में धुत होकर होटल पहुंचे और फिर उन होटल कर्मचारियों के सामने डिमांड रखी, जिससे उससे कर्मचारियों ने होश उड़ गए। वेटर के साथ दुष्कर्म की कोशिश होटल के कर्मचारियों ने सब मना किया तो खाने के बाद वेटर को कमरे में बुलाया और फिर जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ तो चीख पुकार की आवाज़ें आने लगी। यह सुनकर जब होटल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो दरवाज़ा अंदर ही से बंद था। होटल के प्रबंधक ने मामले की सूचना पुलिस अधिकारी को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने जब होटलों का दरवाज़ा खोला तो अंदर दारोगा विनोद कुमार यादव आपत्तिजनक हालत में पाया, लेकिन इस दौरान वे पुलिस वालों को धमकाने के बाद नहीं आया। इस दौरान काफ़ी देर तक विवाद होता रहा, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दारोगा विनोद कुमार यादव को गिरफ्तार कर दारोगा पर मुकदमा दर्ज किया। वहीं दारोगा विनोद कुमार यादव अप्राकृतिक दुष्कर्म और अन्य गंभीर धाराओं में
मामला दर्ज कर लिया है और ये उसे जेल भेज दिया है। इस घटना ने उन इलाके में हड़कंप मचा दी है कि हवस में अंधे हो चुके एक दारोगा ने इस वारदात को अंजाम दिया। जिस पुलिस वाले से सुरक्षा की उम्मीद होती है वही पुलिस वाले, अर्थात यहाँ पुलिस वाले से कोई सवाल नहीं है, यहाँ पे ऐसे कामुक विचार वालों से है जो काम के अंधे लोग हैं, जो कहाँ भी गलत काम कर लेते हैं और उनके साथ क्या बीतती है उसके आगे का मेरा ये सारा अनुसंधान है। तो आपने इस घटना में देखा किस प्रकार से एक नशे में धुत व्यक्ति है वो अपनी काम पिपाशा के लिए महिला की मांग करता है और महिला नहीं मिलती है तो एक होटल के वेटर के साथ में भी ये कुकृत्य करने के लिए तैयार हो जाता है। और अगर ये लड़का विरोध नहीं करता तो हो सकता है कि ये आदतन एक समलैंगिक होने की संभावनाएं होती है, ऐसा विश्लेषण मेरे पास में बहुत सारे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों को सतर्क कीजिए और मना कीजिए अगर आपके साथ में कोई ऐसी कोशिश करता है कि आपके साथ में या आपके बच्चों के साथ में गुदा मैथुन के लिए कोई आवेदन निवेदन बहला फुसला कर बलपूर्वक डरा धमका कर अगर गुदा मैथुन करने की कोशिश करता है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए। और आप आवाज उठाएंगे तो हो सकता है आपको संबल मिलेगा, शक्ति मिलेगी और आपका जो इस दुर्घटना से शिकार हो के आप पीड़ित नहीं बनेंगे। कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे, सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।